हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2018-19 की जो आंसर की है वो कल आ चुकी है शाम को। आंसर की आने के बाद जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है तो उसी बारे में हम बात करेंगे। इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी कट ऑफ लो जाएगी या हाई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ बन रही है, हम आपको यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और हम आपको ये बताएंगे जो आपका ऑब्जेक्शन है अपने क्वेश्चन के लिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसे गलत कर दिया गया है जो आपने आंसर दिया है, क्योंकि ये टेंटेटिव आंसर की आप का इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो एसएससी की तरफ से आ रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की। द कमीशन हैज़ कंडक्टेड द सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस CAPF एंड असिस्टेंट सब कमांडेंट इन CISF एग्जामिनेशन 2018 फ्रॉम इतने से इतने तक ही आपका एग्ज़ाम हुआ है कंप्यूटर बेस्ड मोड पर। तो कैंडिडेट्स में लॉग इन देयर यूज़र आईडी, यहाँ पे आप अपने यूज़र आईडी और अपनी पासवर्ड यानी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है वो 3 दिन का दिया गया है, 24 तारीख से 27 तारीख तक 6 बजे तक आप कर सकते हो यहाँ पे। और जो आपकी एक क्वेश्चन चैलेंज करने की जो पेमेंट है वो 100 रुपये होगी जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ये नोटिफिकेशन खुलने के बाद जैसे यहाँ पर एसएससी वेबसाइट खुलेगी खुल जाएगा। अब इसके बाद आपकी जो बात कर लेते हैं दोस्तों जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जानी है। तो आपकी जो कट ऑफ है अगर हम बात करें यूआर की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो दोस्तों यहाँ पे यूआर की जो कट ऑफ है आंसर की क्या आने के बाद 115 से 120 के आसपास जा सकती है यूआर की जो कट ऑफ है। और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 105 से 110 के आसपास जा सकती है। और जो एसटीएससी की कट ऑफ है वो 95 से लगभग 100 के आसपास, या एसटी की अगर हम बात करें तो 93 से 96 के आसपास जो आपकी कट ऑफ है ये जा सकती है। दोस्तों आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, अभी आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना है। दोस्तों हम आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पर एसएससी सीपीओ की आंसर की के आने के बाद तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको यहाँ पे रिप्लाई ज़रूर देंगे आपका जो भी दिक्कत है यहाँ पे। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी होगा इस बार इसमें, तो जो आपकी कट ऑफ है वो इतनी तो जानी ही चाहिए यहाँ पर। और जो अटेंडेंस है वो उसका पहले ही नोटिफिकेशन निकल चुका है एसएससी की, जो आपकी अटेंडेंस है वो मात्र 28% थी यहाँ पर, तो कट ऑफ इतनी काफ़ी है। जो पिछली बार गई थी वो भी इसी के आसपास गई थी। तो दो और इस बार दोस्तों आपको पता है TCS ने आपका एग्ज़ाम लिया है, तो जो एग्ज़ाम का लेवल था वो भी थोड़ा मॉडरेट सा था, करंट अफेयर्स के भी काफ़ी क्वेश्चन थे। तो आपकी कट ऑफ है जो इतनी जा सकती है आफ्टर आंसर की। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।